दफन कर दिया और मैं इस पे देखूंगा, चाहे हम हो या ना हो, चाहे हमारी उम्र हो या ना हो, पर एक दिन आप देखिएगा तारीख लिखेगी और तारीख में ये आएगा। और मैं तारीख से ही बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे सामने जो हैं बैठे हुए दोस्त वो सुनने के लिए मेरी बातें तैयार नहीं है, मगर तारीख लिख रही है और तारीख लिखी जा रही है, तो तारीख की याद रखेगी कि मैंने ये कहा था और ये होके रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू जनाब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब नहीं है जी, शेख रशीद साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, तारीख में ऐसे वक्त आते हैं जब कोई सियासतदान गलत फैसले करता है और एक नया रास्ता निकलता है, और मेरे नज़दीक ये तारीख के दो रोज पहले मोदी ने एक ऐसा फैसला किया है जो कश्मीरियों के लिए एक नया शोलाए ज्वाला बनेगा। जनाब स्पीकर, जब आरएसएस का शूट ऑफ और बाबरी मस्जिद से तुलू होने वाला सियासतदान कश्मीर में एक ऐसा फैसला करता है, तो आज मैं तारीख में दो बातें गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कश्मीर को अंदर से जानता हूं। कश्मीर को मैं लाल चौक से लेके हब्बा कदल और जैनदार मोहल्ले तक जानता हूं। अब कश्मीरी घर में नहीं बैठेगा जनाब, और एक ऐसी सियासत जन्म लेगी कि बीजेपी के 303 मेंबर हैं, एक मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया जनाब चेयरमैन। ये तारीख का सानिया है कि मोदी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया और 303 मेंबर जो बीजेपी के बने हैं उसमें एक मुसलमान नहीं है। और ये तहरीक अब श्रीनगर हब्बा कतल नहीं रहेगी, ये यूपी सीपी तक जाएगी, क्योंकि 24 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और अगर हमने यहां कोई कोताही की, मैं ये नहीं कहता कि हमें किन हालात से गुजरना पड़ रहा है जनाब इस चेयरमैन, आज इसराइल का पैटर्न वो क्यों लाया है, क्योंकि इसराइल ने वही सूरत हाल पैदा की जो आज मोदी ने पैदा की है। इसराइल ने वही सूरत हाल पैदा की कि कल कश्मीरियों की जहां जब वहां कत्लो गारत होगी वो मुजफ्फराबाद बॉर्डर की तरफ आएंगे। मैं आज पेशन गोई करना चाहता हूं, मैं 3 से 6 महीने पाकिस्तान की सरहदों पर मोदी की सियासी वो हिंदू दत्त का जो उसका प्रोग्राम है उसमें जंग होते देख रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि हमने एटॉमिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहां 24 करोड़ मुसलमान है, लेने हमने एक वो मुजाहरा करना है, वो सोच देनी है। ये 371 जो है मिजू में भी लगा हुआ है जी, नागालैंड में भी लगा हुआ है, असम में भी लगा हुआ है, वहां 371 ए बी सी चार जगहों पे लगा हुआ है, लेकिन वहां उसने कोई अमेंडमेंट नहीं की। श्रीनगर में क्यों की है जनाबे, जनाबे चेयरमैन? श्रीनगर में इसलिए की है कि श्रीनगर का जुग्राफिया जो है, आगा साहब तशरीफ रखें, फवाद साहब तशरीफ रखें। मैं अपनी सियासी वर्कर की हैसियत से या मैं चीन की दूर अंदेशी को भी सलाम पेश करना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब जो हालात बदलने जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ चीन जाएंगे, क्योंकि चीन का भी बराह रास्त लद्दाख से तल्लक है। मैंने 3 डिप्लोमेट्स डिप्लोमेसी को बड़ा अहम जानता हूं, ईरान की डिप्लोमेसी को, तालिबान की डिप्लोमेसी को, और आज आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कोई शख्स कश्मीरियों को अंडर एस्टिमेट ना करे। नूर आलम साहब तशरीफ रखें। आज जो उसने मुआहदा ये फैसला किया है उससे किसको नुकसान पहुंचा है? मैं समझता हूं शायद तारीख फैसला लेने जा रही है, शायद तारीख एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जब ये कश्मीरी जद्दोजहद निकलेगी। और अब मैं बड़े अदब से कहता हूं, आज कश्मीर में गली गली में वानी की आवाज है। आज कश्मीर में वो लोग जो बड़े अपने आप को राबते में समझते थे,
जो लोग अपने आप को ये समझते थे कि वो एक रास्ता बना सकते हैं, आज मोदी ने सारे रास्ते बंद कर दिए। आज मोदी ने एक वाज़े पैगाम दिया कि वो हिंदू दत्त का जो है, और ये वही मोदी है जिसको कल अमेरिकन वीजा नहीं देते थे, लेकिन इसी मोदी ने एक ऐसी सियासत का ट्रंप कार्ड खेला कि ये अमेरिका की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया। और जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे क्या निकले? उसके नतीजे क्या निकले कि आज इंडिया की ऑर्नामेंट्स की परचेज जो है वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि वो ज़हनी तौर पर वो तैयार था। ये अल्लाह की शान है कि ये पिछले 2 महीने की लड़ाई में उनके 2 जहाज गिर गए। जहाज किसी के भी गिर सकते हैं, जहाज किसी के भी गिर सकते हैं। इलाकों को फतेह करने की जंग नहीं होगी, ये लोगों के दिलों को जीतने की जंग होगी। और आज पाकिस्तान अपनी मंजिल के, आज मौलाना आजाद का की थ्योरी खत्म हो गई, हिरे सिंह खत्म हो गया, शिमला मायदा खत्म हो गया, कंट्रोल लाइन खत्म हो गई। आज जिद्दोजहद आजादी का एक नया नक्शा जन्म पाया। आज जनाबे चेयरमैन, जिसके लिए इतनी जिद्दोजहद की गई, नेहरू लेके गया यूनाइटेड नेशन में, वो रुसवा हो गया। आज शिमला माहिदा जिस पे जंग हुई वो खत्म हो गया, अब्दुल्ला एकार्ड खत्म हो गया, और आज कंट्रोल लाइन कश्मीर में बंदे मातरम के तराने बजेंगे, ये कश्मीरियों की जिंदगी में मुमकिन नहीं होगा। जब तक कश्मीरियों का, शोहदा का कब्रिस्तान मौजूद है, कश्मीरी इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे। देखना यह है कि यह हिटलर नाजीइज्म का हम कैसे मुकाबला करेंगे, यह हिटलर नाजीइज्म का दुनिया कैसे मुकाबला करेगी। मुझे उम्मीद है कि शाम तक अरबी दुनिया का भी एक वाज़े पैगाम आ जाएगा, जैसा चीन ने एक पैगाम दिया है, जैसा चीन ने आप ये कहा है कि लद्दाख जो है उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देखा जाएगा। आज सारे आलम इस्लाम में मुसलमान के साथ जो हो रहा है, लीबिया से हुआ, इराक से हुआ, सीरिया में हुआ, और बढ़ते बढ़ते अब कश्मीर में आ रहा है। जनाब चेयरमैन, आज उसने क्यों ये सोचा? हमारी इकॉनमी की हालत देखकर उसने क्यों ये सोचा? उसने इंटरनेशनली इजरायली इंडियन जॉइंट वेंचर के लिहाज से आज इसराइल इंडिया की जो सैटेलाइट में और जो हाईटेक में, और हाईटेक में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टेक्नोलॉजी 75% मिसाइल है और 25% एयर है। इंडिया की 75% एयर है और 25% मिसाइल है, लेकिन क्या हमने कौमी सतह पे कश्मीर का केस अगर हम यूनाइटेड नेशन में लेके जाते हैं, वो करारदाद जो कि मुर्दा हो चुकी थी, वो करारदाद जो जिंदा थी लेकिन उसको हिंदुस्तान में से कोई हमायत हासिल नहीं थी, कोई हमायत हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि इंडिया इतना फैल चुका था, इंडिया इतना फैल चुका था तल्लकात की बुनियाद पर कि हमें वो सपोर्ट नहीं थी। जब वहां जुल्म होगा अकलियतों पे, जब कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम होगा, तो ये नया किसी वक्त कश्मीर में, यूपी में, सीपी में, अब ये ऐलान जंग है, मुज़ाकरात के रास्ते खत्म है। ये मुज़ाकरात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सूरन सिंह के साथ किए, दिन में 2-2 मरतबा किए, क्या नतीजा निकला? कौन सी सियासी शख्सियत है जिसने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए? लेकिन दुनिया तारीख का सबसे बड़ा अलमिया, मोदी की हकूमत का ये दूसरा टेन्योर जो है, इसमें इसने फैसला किया हुआ है कि इसने मुसलमानों को ज़ेरे अताब लाना है। यही वजह है जनाबे चेयरमैन, 303 मेंबरों में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, किसी मुसलमान से वोट नहीं मांगा। आप ये देखें दुनिया में रेसिज्म कैसे छा रही है, दुनिया में रेसिज्म की सबसे बड़ी इंतहा आप इंडिया में देखें कि 24-25 करोड़ मुसलमान है, किसी से वोट नहीं मांगा, क्योंकि उसने हिंदू को, हिंदू के वोट को अपने तरफ पोल करवाया। शायद सियासी तौर पर एक बड़ी हिंदू मेजॉरिटी की वजह से वो एक 2/3 छोड़ के 80% वोटें ले जा सकता था, लेकिन जो पैगाम उसने दिया है, जो पैगाम मोदी ने दिया है,
मैं सियासी वर्कर की हैसियत से एक इनकलाबी कदम होते देख रहा हूं। मैं सियासी वर्कर, इन्होंने खुद खत्म कर दिया 370, अच्छा किया दफा बला, 53A खत्म कर दिया, अच्छा किया दफा बला। अब इंडिया में जो कंट्रोल लाइन की सूरत हाल है, ये हिंदुस्तान आजाद कश्मीर पे हमला कर सकता है। मेरी तारीख को, मेरी तक, मेरे एक पॉलिटिकल वर्कर की गुजारिशात को नोट रखा जाए। मैं इंडिया को, मोदी की सोच को, ये वही मोदी है जिसको नैन्सी पाल मेरी दोस्त थी, एम्बेसडर थी वहां पे, उसने मुझे कहा शेख रशीद ये आ रहा है एज ए PM। मैंने कहा ये आ रहा है। एक वक्त था जब नासर जमाल लीडर था, अतातुर्क लीडर था, मौजे तंग लीडर था, चोहनलाई लीडर था। अब मोदी टाइप के लीडर आ गए इस दुनिया में, जो अपनी RRS की, RSS की जो थ्योरी है उसको इंप्लीमेंट करेगा। जब इंप्लीमेंट करेगा तो जनाबे चेयरमैन हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, कौम को इकट्ठा होना होगा, मीडिया में, एम्बेसीज में, वर्ल्ड में हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं 2-3 महीने की बात, अगला साल लगा लें, 3 से 6 महीने पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर का मसला फाइनल होने जा रहा है। और अगर हिंदुस्तान कोई ऐसी गलती करेगा तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है जनाब चेयरमैन। हमने जिंदा रहना है, मरना है, पाकिस्तान के अंदर जिंदा रहना है, मरना है। और 22 करोड़ 30 करोड़ हिंदुस्तान के बसने वाले मुसलमानों को, यूपी और CP के मुसलमानों से भी मैं कहना चाहता हूं कि कीड़े मकौड़ों की तरह जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि शहादत के जज्बे से निकलें। कीड़े और मकौड़ों की तरह जिंदगी और अपने हकूक को सलब करवाने से बेहतर है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जागे, क्योंकि आज कायदे आजम की थ्योरी जिंदा हो गई है दुनिया में। कायदे आजम